हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ मशरूम मटर मलाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए मेरी मशरूम मटर मलाई बिल्कुल इजी तरीके से, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने मसाले के लिए यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है। ये देखिए जब हमारा जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो मैं इसमें हींग डाल दूँगी। हींग को हींग की जब अरोमा अच्छे से आने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा खड़े मसाले जैसे इलायची, काली मिर्च और लौंग को डाल दें और अच्छे से भूनें। एंड अब मैंने इसमें कुछ जिंजर के पीसेस डाल दिए हैं। एंड अब मैंने इसमें कुछ रेड चिलीज़, दालचीनी डाल दिया है। एंड ये मैंने तेज पत्ते को तोड़कर डाल दिया है, ये एक तेज पत्ता था। एंड अब मैंने इसमें गार्लिक डाल दिया है, यहाँ पर मैंने सूखा हुआ गार्लिक लिया है। एंड कुछ खड़े धनिया डाल दी है इसमें। अब आपको इसे अच्छे से तेल में मिक्स करना है और अच्छे से इसको भूनना है। अब मैंने इसमें कुछ पीनट्स ऐड कर दी है। पीनट से ग्रेवी हमारी काफ़ी रिच और थिक बनती है। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। अब मैंने यहाँ पे मशरूम को लिया है, आपको मैं मशरूम को काटने का तरीका बताऊँगी। आपको पहले इसे ट्विस्ट करके इसका जो बीच का होता है इसे निकाल के अलग रख लेना है। एंड फिर आपको इसी प्रोसेस से मशरूम को छील लेना है, जैसे मैं छील रही हूँ कॉर्नर से नीचे से। ऐसा करते हुए आप सारे मशरूम को छील कर अच्छे से रख लें। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको छीलना है। ये देखिए मैंने सारे मशरूम को छील लिया है। एंड अब मैं यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। एंड ये जो मशरूम को मैंने छील के और ये टू पीसेस में कट करके रखा है, मैं इसे तेल में अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि इसका जो वो एक स्मेल होती है वो निकल जाए। इसे आपको अच्छे से तेल में 5 से 10 मिनट तक भूनना है। ये देखिए मेरे मशरूम मैंने भून लिया है। अब मैं उसी कढ़ाई में 1 चम्मच को घी डालूँगी। ये घर का बना हुआ देसी घी है, आप 2 चम्मच डालें। एंड इसमें आप मखाने को अपने अच्छे से भून कर फ्राई कर लें। आप चाहें तो इसे बटर में भून सकते हैं, लेकिन घी में भुने हुए मखाने का फ्लेवर सब्जी में अलग ही आता है। ये देखिए मखाने भी भून कर रेडी हैं। अब मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। एंड अब मैंने इसमें कुछ हल्दी पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। एंड वो जो मसाला मैंने आपको दिखाया था मैंने उसको ग्राइंड कर दिया है। एंड अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। तो देखिए काफ़ी अच्छा कलर आया है हमारा। मसाले में मेन इंग्रेडिएंट फ्रेंड्स जायफल होता है, आप उसे ज़रूर ग्राइंड करें, मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ये देखिए हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी और थिक बन के तैयार हो गई है। आपको इसे अच्छे से भूनना है तेल ऊपर आने तक। ये देखिए कितना अच्छा कलर रेड रेड आया है। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भूनना है, इसका ऑयल ऊपर आना भी शुरू हो गया है। आप गैस की फ्लेम को फास्ट रखकर मसाले को बराबर चलाते हुए भुने ताकि हमारा मसाला नीचे लगे नहीं और इसमें से ऐसे वाटर उड़ जाए। एंड अब मैं इसमें थोड़ा सा मसाला डालूँगी, धनिया पाउडर। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें धनिया पाउडर और ये गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें कुछ कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दूँगी। कसूरी मेथी का टेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा आता है और ये मेरी घर की बनी हुई फ्रेश क्रीम है, ये मैं इसमें डाल दूँगी क्योंकि हमारी सब्ज़ी ही मशरूम मटर मलाई है। एंड जो मलाई लगी हुई प्लेट में आप उसे भी अच्छे से डाल दें इसमें। ये देखिए मलाई डालने के बाद इसमें काफ़ी रिचनेस आ गई, एंड इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। धीरे धीरे हमारी ग्रेवी बन के रेडी हो रही है। ये आप देख सकते हैं मैं इसे बराबर चला रही हूँ ताकि हमारी मलाई फटे नहीं। आप इसमें दही भी डाल सकते हैं अगर दही कम खट्टा हो। अब मैंने इसमें मटर को ऐड कर दिया था। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी एंड मटर को पकाने तक इसे मसाले को अच्छे से भूनूंगी। ये देखिए हमारी मटर भी इसमें पक रही है। अब आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले थोड़ा सा भी सॉल्ट नहीं डाला था, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी एंड इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब आप इसे थोड़ी देर ढक के पका लें। ये देखिए हमारा ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आ गया है, इसका मतलब हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कलर आया है हमारी ग्रेवी का, आपको मैं दिखा दूँ बिल्कुल ढाबे जैसी मशरूम मटर बन के तैयार हो रही है हमारी। इसे आपको 5 से 6 मिनट और अच्छे से भूनना है। वीडियो फास्ट मोड पर है इसलिए मसाला जल्दी जल्दी भून रहा है, लेकिन मैंने मसाले को काफ़ी भुना हुआ है। एंड ये आप देख सकते हैं जब मसाले का पानी काफ़ी हद तक सूख चुका था तो मैंने इसमें मखाने और अपने मशरूम जो मैंने फ्राई करके रखे थे इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। ये देखिए कितना अच्छा हमारा मशरूम मटर मलाई बनके तैयार हो रहा है।
अब मैंने इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डाला है क्योंकि ये ग्रेवी पकने के बाद थोड़ी सी थिक हो जाती है। बहुत थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है। ये देखिए मैं इसे बॉईल होने तक रखने दूंगी। और ये देखिए तैयार है हमारी मशरूम मटर मलाई। आप भी इसे अपने घर में बना के ज़रूर ट्राई करें। मेक श्योर कि आप अपना रिव्यू जरूर शेयर करें। प्लीज़ लाइक शेयर।